देवभूमि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के भवा वैली होमटे गांव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं तो एकदम मस्त स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी एकदम मस्त स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कल रात को ना भयानक जो है बारिश हुई, जिसमें बहुत सारा जो है ओले पड़े, तो इतनी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों मैं सुबह से ना हिल स्टोन ढूंढ रही थी कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हिल स्टोन इस तरह का होता है, तो ढूंढ ढूंढ के थक गई। और देखा तो यहाँ घर के पास ही था, मेरे को थोड़ा सा बचा हुआ है। ओले ये पूरे ओले है, रात की पड़ी हुई ओले। ओए 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 ओल्ले आगे ओल्ले, कैसे लग रहा है? दो तो जरा, मैं भी करती हूँ कैच, दो तो थोड़ा। बर्फ जैसा हो गया ना, पर ओल्ले है। सीधी हट जा बेटा। तो गाइस ये रात को पड़े थे यहाँ ओल्ले, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ओल्ले, और अभी तक सुबह तक ये व्यू है देखने को। ये देखो भी ले रहे हैं। उए। 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 चल, 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 चल। तो सिद्धि और प्राइल जा रहे अभी स्कूल, और बाय बेटा। ये मैंने अभी नहीं फेंकना, वो बच्चे भी दौड़ रहे। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। बाय बेटा, बाय 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 बाय, चलो भागो। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बाय 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 बाय। ये फेंकना नहीं इसका वीडियो। सिद्धि और प्राहिल को तो भेज दिया हमने स्कूल, अब भाभी जी और मैं जा रहे हैं परिपा, और उसके पास वहाँ पे ना दोस्तों मशीन लगाया है सेब का, तो साथ में हम देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से काम चला हुआ है। और साथ ही वहाँ पे एक अखरोट का पेड़ है, देखेंगे उसमें भी कितने बचे हुए हैं अखरोट, क्योंकि वहाँ पे साथ में ही लेबर रहते हैं, तो बचा तो नहीं होगा, फिर भी देखेंगे। हम पहुंच चुके हैं मशीन के पास, सेब का तो बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है और ग्रेडिंग पैकिंग का काम चला हुआ है। पेटियाँ भी काफ़ी भर चुकी हैं, लेकिन जो है ना मशीन इस वक्त जो है बंद है। वो एक अखरोट फिर गिरा, ये हमारा पत्थरों से गिरा तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे जाएंगे वापस। यार कुछ ही, वेरी गुड यार, गुड, बस पत्थर नहीं गिरा दिया, हर कुछ निशानी है आपकी तो, वाह वाह वाह। ओए सिटो जाओ नहीं होता ला बेटा, सब दिख जाएंगे। साइना साइना आएंगे तो दोस्तों, पता है आप लोगों को, पता है आप लोगों को ना, पहले मैं इस पेड़ पे चढ़ती थी जब स्कूल टाइम में, तो इस पेड़ पे चढ़ती थी, अभी तो डर लग रहा है इस पेड़ पे, क्यों गिरने जाए, आउट ऑफ कंट्रोल, वजन भी बढ़ गया। अरे प्रेम एक इसके ऊपर ही है यार, इसको भी गिरा सकती हूँ मैं, यहाँ पे है। अभी ढूंढ ढूंढ पहले ढूंढने, अभी दिखाएंगे गाइस आप लोगों को अखरोट कितने कागजी है, वो अभी लेके दिखाएंगे ना। तो ये देखो ये कागजी अखरोट है। अच्छा हाँ, पर पूरी तरह से नहीं पका ना, वो जो पके था वो तो लाने नहीं प्रेम ने यार, जो अच्छा था। चलो इसको तोड़ो तो कैसा है अंदर से, हरा हरा देखते, दांत से टूटते सच में, टूटे गए दांत से, तोड़ दिया यार आपने, खोलो तो अंदर से, अब इसका निकालो अंदर से शेल,
सच में टूट गया। वो देखो ये कितना वो है ना, कागजी अखरोट है, दांत से टूट रहा। और ये जब ये अभी वाइट कलर का ना, बिल्कुल हरा हरा टाइप का, खाने का बहुत ही टेस्टी होता है। सूखा इतना नहीं होता टेस्टी जितना ये अभी है। क्यों ये वाला दो, तो इसकी जो गिरी है ना आप देख सकते हैं गाइस, ये जो गिरी है ना इसकी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। इसका जो छिलका है ना, अभी मैं इसको भी उतारूंगी। छिलका उतारना पड़ता है, नहीं तो कड़वा आता है ना। ये छिलका उतारना पड़ता है तो बिल्कुल ये अच्छा बन गया। देखो ऐसे उतारना पड़ता है, कच्चा है ना अभी ये। खाओ दीदी अब कैसा है बताना मुझे, स्वाद करके खाते रहे यार। कैसा अच्छा लग रहा है, बड़ा बचपन ना याद आ गया इसको खा के। अखरोट को देखे ना बचपन की याद आ गई। अच्छा हमें भी खाती है, जब बचपन में हमें स्कूल से आती थी ना तो यहाँ पे बेमी खुमानी बहुत सारे होते थे। वाह सच में यार ये तो हरा हरा बड़ा टेस्टी है। और मैं तो टॉप तक पहुँचती थी इसके। अच्छा इतने चढ़ जाते थे आप ऊपर? अभी नीचे वो जमीन निकल गया ना पानी ने, बाढ़ के कारण निकल गया, नहीं तो और थोड़ा सूख जैसे गया। टेनिया थी ऐसे अरे परे कट भी गया कोई टेनिया। चलो अब सारा हमारा कंपनी एरिया अपने ही बगीचा था गाइस। ये पहले किसी ज़माने में यहाँ बहुत सेब के पौधे हुआ करते थे, बट कंपनी वालों ने ले लिया ना, तो आधा तो अभी हमारे पास है, आधा कंपनी वालों को। तो इधर हमने सारी लेबर पार्टी रखी हुई है, पूरी 15-20 लेबर है इधर को। और एक कांचा यहाँ पे इसको पूरा काम करने को दिया है। क्या ओ ये कहाँ से लाया तुमने टब? तेरे को नहीं पता इसको क्या पता होगा? टब मेरे घर से लाया हुआ है पक्का चक्कर। तेरे को बर्तन धोने को दिया है? दो ले यार। तो इधर सारी लेबर रहती हैं और ये कंपनी एरिया है। और इसकी जो पार दिख रहा है ना आपको, जो शेड बन रहा है हमारा यहाँ पर, ग्रेडिंग पैकिंग मशीन लग रही है वो लास्ट में जाके दिख रहा है। इसके परे हमारा खेत है गाइस अभी भी, तो ये पहले हमारा ही हुआ करता था। दीदी कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करता था ना बंदा, उस साइड वाले कोने में नहीं दिखता। ये खेत इतना लंबा है ना गाइस, बंदे यहाँ एक कोने से दूसरे कोने में नहीं नज़र आता था। और इस कंपनी एरिया में कुत्ते हमारे को ही भोग रहे हैं हमारे खेतों में। इनको लग रहा है ये नई लड़की, क्योंकि हम आज बहुत ज़माने के बाद आए अपनी। तीन रखे हुए पांच के। ओ देखो वो जो लास्ट पेड़ दिख रहा है ना गाइस आपको, वो बाउंड्री के वहाँ तक, जो पोल जैसा दिख रहा है वहाँ तक है ये हमारा खेत। कुत्ते आए तो ना भागना नहीं चाहिए, किसने सुनाया कब? कुत्ते आए तो। और देखो गाइस यहाँ पे ना बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है, ये एप्रिकॉट के पेड़ है गाइस, खुरमानी जिसको बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। देखो कितने बड़े पेड़, इतने बड़े पेड़ तो मैंने आज पहली बार देखे, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है खुरमानी के। सो आप लोग देख सकते हैं मेरा डब्लू। अच्छा अच्छा लो मन को देखना। तो लेके आई मैं मन को दिखाने, क्योंकि मन को बांधा है, नहीं तो ये यहाँ पे दौड़ दौड़ के इसने अति करके रखा, आतंक मचा के रखा होता है इसने। अरे जाओ अब आप भी जाओ, प्यार करो सिद्धू। नहीं मारता यार, जाओ। हेलो मन को बोलो। वाह मन को, ये हफ्ता के जाओ ना प्यार करो इसको, फिर बार बार मत बोलना मन को ले जाओ, मन को ले जाओ। देखो है ना, मन को है ये, मन को प्यारा सा, मन को है ये कि आप तो मन को हमने छोड़ा है और मन को प्राहिल लेके जा रहा है, मन को अपने साथ। कहाँ ले जा रहे हो प्राहिल? चलो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है प्राहिल। माता एक ले जाए, बस छोड़ दे अब, थोड़ा नाचने दे मनको को।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और मेहमान दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखो नया नया मेहमान आया अभी। ओए मानको के बाद ये दूसरा मानको आ गया। ये देखो मामू लेके आए है ना प्यारा। देखो बेचारा पकड़ो सीधी पकड़ो। कितना प्यारा है देखो। देखो दोस्तों कितना प्यारा मच्छू आया हमारे पास। अभी अभी लेके आए मामू। श्यामती लेके आए। दो दो आ गए अब आप लोगों को। ये अभी अभी कंडे से आया दोस्तों। कंडे से लाया इसको क्योंकि इसकी माँ जो है ना रात को कहीं पत्थर गिरी। शाम का वक्त हो चुका है। 4:30 बज चुके हैं। अब तो थकी गए हम लोग। घास बोल रही हूँ मैं। अब इतना सारा घास काटा ना कि बस मुंह से घास ही निकल रहा। आजकल तो हम अनाज काटने में बिजी है। ओलगा का अनाज और विनोद ने लाया भी है। कुछ बोझा मैंने लाया है, कुछ विनोद ने लाया है। तो बस अब इसको सुखाना है धूप में। अब सुबह सुखाएंगे। यहाँ बोझा ला के रखा है तो मैं तो थक गई हूँ। अब दिखाती हूँ आप लोगों को भी बोझा। बोझा भी रखा है इधर। हाँ भाई राहिल उमंग तो कैसे रहा। देखो चिलाई लेके आया ये चिलाई। वाह कितना सुंदर है ये। देखो दोस्तों इसको बोलते चिलाई। हमारे यहाँ तो उसको बोलते डंकर। क्या बोलते डंकर। अच्छा सिद्धि कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ना अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग अभी जो मेरे चैनल पर विज़िट हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।